फ्रेंड्स, आज जो मैं बताने वाला हूँ जानकारी, उत्कृष्ट विद्यालय व मॉडल स्कूल जो चयन परीक्षा होती है जो हुई है इस साल 2021 में, उसकी सारी जानकारी देने वाला हूँ। ये पेपर किस तरह से आता और किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। और कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है आने वाली आगामी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है, सारी जानकारी बताने वाला हूँ। जुड़े रहिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर कोई डाउट हो इससे संबंधित तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं, ये जो पेपर होता है इसका, ये आपका पूरा 100 नंबर का पेपर होता है। और जो समय है आपको रहता, समय है ना, 2 घंटे का समय दिया जाता है इसको करने के लिए। आगे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी अपन पढ़ने वाले हैं। इसके कुछ जो है ना इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सारी देखो। विशेष निर्देश, इस प्रश्न पत्र में कुल है ना 100 प्रश्न 1 से 100 तक होते हैं, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का निर्धारित है। इसमें कोई नेगेटिव मूल्यांकन नहीं होता है, और प्रश्न पत्र हल करने से पहले प्रश्न पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर जो अंकित निर्देशों को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है और ठीक तरह से उनका पालन करना होता है। किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर, मोबाइल या किसी भी प्रकार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना उपकरण और लॉग टेबल्स का जो है ना प्रयोग इसमें वर्जित होता है। परीक्षा उपरांत किसी परीक्षार्थी में जो है ना प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाने की विद्यार्थी को अनुमति होती है। अब जो है ना यहाँ पर आपके जो है ना पर्यवेक्षक होते हैं, उनके हस्ताक्षर हो जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हस्ताक्षर होने के बाद अब अपन आगे देखते हैं। ये जो है ना आपका वर्किंग के लिए रहता है स्पेस फोर रफ वर्क, जो भी आपको मतलब कार्य करने हैं कुछ मतलब क्वेश्चन से संबंधित, तो आप यहाँ कर सकते हैं। बहुत बड़ा पेज रहता है और पीछे भी 2-3 पेज है ना छूटे रहते हैं। अब आगे देखते हैं साथियों, ये जो है ना आपके क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं, तो अपन सॉल्व करते हुए चलेंगे यहाँ से। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अनिल शब्द युग्म जो है ना के सही अर्थ क्या होंगे। अनिल का मतलब होता है आग, और जो है ना अनिल का मतलब होता है हवा। जो इसका राइट और आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। अब आगे देखते हैं साथियों, जो आपका है ना सेकंड क्वेश्चन है, बन का पर्यायवाची क्या होता है। अब इसमें पूछा गया है बन का पर्यायवाची क्या होता है, तो बन का पर्यायवाची जो है ना जम्बुक होता है। ध्यान रखना है आपने कि बन का पर्यायवाची क्या होता है, जम्बुक। अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पूछा गया है, विग गृबंध जो है ना का आशय क्या है। जी, इसका जो आशय है पक्षियों के समूह से इसका आशय है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यह है ना आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि जो है ना कुंडलियां छंद किस छंद को मिलाकर बनती हैं। यह है ना दोहा और रोला को मिलाकर बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, यहाँ पर देखते हैं अपन इसमें जो है ना पूछा गया है, महाअजय संसार रिपु जाति सके सो वीर, पंक्ति किस कवि द्वारा लिखित है। ये पंक्ति जो है ना बतानी है किस कवि ने इसको लिखा है। ये जो पंक्ति है ये तुलसीदास द्वारा रचित है। अब आगे देखते हैं साथियों, ये है ना क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ ये पूछा गया है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो इसमें जो है ना अशुद्ध वर्तनी बतानी है। इसमें जो है ना जे सौन अशुद्ध सौंदर्य की जो है ना वर्तनी अशुद्ध है। आगे देखते हैं साथियों, ओमकारेश्वर जो है ना किस नदी के तट पर स्थित है। हमें ये बताना है ओमकारेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है, तो जो है ना नर्मदा नदी के किनारे ये स्थित है। आगे देखते हैं, ये जो पूछा गया है कि जो है ना नव सप्तस्कर जिस माह में आता है उसका नाम क्या है। मतलब कि जो नवरात्र होते हैं चैत्र वाले, ये
ये चैत्र के माह में ही तो आते हैं जब हिंदू नव वर्ष होता है, वो इसी का क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं साथियों, नंदन बनसी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया में कौन सा अलंकार है। तो इसका मैंने आपको ट्रिक बताया था, सा सी जो भी होते हैं ना इसके वर्ड में आपको दिख जाएं, सा सी और से, तो वो कौन सा अलंकार होता है। तो इसमें देख लो सी दिख रहा है तो कौन सा अलंकार होगा, उपमा। अब आगे देखते हैं, अरे भूकंप आ गया वाक्य किस प्रकार का है। ये वाक्य जो है संकेत किस क्या दे रहा है हमें, संकेत दे रहा है, क्या दे रहा है, संकेत। अब इसमें जो है ना चिन्ह कौन सा लगा है, विस्मय आदि, तो हमारा ये राइट आंसर क्या होगा, विस्मय आदि सूचक जो है ना वाक्य होगा, क्योंकि इसमें चिन्ह का यूज किया गया है। यदि डायरेक्टली पूछा जाता तो संकेत सूचक ही होता इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं साथियों, यहाँ से जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर 11 से दिया गया है, आइए देखते हैं क्या है। कौन सी शब्द जोड़ी मेल नहीं खाती, तो हमें बताना है कौन सी जो जोड़ी है वो मेल नहीं खाती। लालन पालन जो है ना ये जो जोड़ी है मेल नहीं खाती है। अब आगे देखते हैं, अधिनायक शब्द में उपसर्ग कौन सा है। अब हमें बताना है अधिनायक शब्द में जो अधि है इसका क्या है, उपसर्ग। आगे देखते हैं, जगन्नाथ शब्द किस संधि का उदाहरण है, तो जगन्नाथ शब्द जो है ना व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसके बाद जो 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये बताना है हमने निम्नलिखित रचनाकारों में किसका संबंध राजस्थान से था, जो मीराबाई हैं इनका संबंध किससे है, राजस्थान से। अब ये 15 क्वेश्चन बताना है आपको, 15 नंबर का, ता प्रत्यय वाला शब्द है जो है ना, कर्मठता जो है ना ता प्रत्यय वाला शब्द है। ये जो है हिंदी में टोटल आपके जो है ना 15 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये आपके 15 नंबर के क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पर। अब आगे देखते हैं, इसके बाद जो भी है ना सब्जेक्ट हो उसके, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है इंग्लिश का, तो देखते हैं इंग्लिश में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी हम आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड जया, ही सेड जया इज डांसिंग। द इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है, तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा, ही सेड द जया वॉज डांसिंग, यही इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 17 वाला देखते हैं, गिव द रूलर ऑफ डियर, डियर ऑलवेज प्योर रूलर रहता है, तो डियर इसका जो है ना फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं साथियों, जो है ना 80 नंबर का क्वेश्चन, 80 नंबर में पूछा गया है, वॉट वॉट इज नॉट डॉट डॉट वॉटर इन द वॉकेट। इसमें जो है ना मच का यूज होगा, किसका, मच का। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब, इसमें दिए गए शब्दों में एडवर्ब कौन सा है। ब्यूटीफुली जो है ना ये एडवर्ब है, जो क्रिया की क्या बताता है, विशेषता। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्टेल इज, इसका जो होगा मीन्स आंसर जो होगा फ्रेश, इसका राइट आंसर है। अब आगे देखते हैं साथियों, जो है ना 21, विच द करेक्ट स्प्लिट वर्ड। अब इसमें आपको है ना सही वर्तनी बतानी है, तो है ना रिसीव की इसमें क्या है, सही जो है ना वर्तनी है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 22 में जो है ना आपको बताना है कि ये क्वेश्चन नंबर 22 में आपको ये बताना है कि जो है ना द एलिफेंट, एलिफेंट किस तरह की आवाज़ निकालता है, एलिफेंट की जो आवाज़ निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रम्पेड, क्या बोलते हैं, ट्रम्पेड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, चॉइस द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, दे वेंट टू मार्केट, इसका जो है ना किस फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में, क्योंकि यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है, सेकेंड। आगे देखते हैं, इसमें बताया गया है राम किल रावण, द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस, रावण वॉज किल्ड बाय राम, ये राइट आंसर है।
बिहेवियर दैट शोज हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स इज कॉल्ड जो है ना वर्च्यू, इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 यहां देख पा रहे होंगे आप। माई डॉटर डॉट ब्रदर ऑब्वियसली इज डॉटर डॉट देन मी, माई एल्डर ब्रदर ऑब्वियसली इज ओल्डर देन मी, इसका जो ए ऑप्शन होगा राइट होगा। 27 देखते हैं, द वेदर्स रिपोर्ट सेज इट मे रेन टूडे, अनुमानित है इसलिए मे का यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 28 इसमें पूछा गया द राइमिंग वर्ड फो हाई, हाई का राइमिंग वर्ड क्या होगा टाई, एक सी आवाज निकलना मतलब कि। दिस वर्ड इज जम्पल्ड ऑन जो है ना ऑटनर, चॉइस द करेक्ट वर्ड जो है ना मेंटर, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखते हैं अपन, डॉट डॉट गॉड ब्लेस यू मे गॉड ब्लेस यू, आपने काफ़ी बार सुना होगा मे गॉड ब्लेस यू, आशा करता हूँ ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। आप जो ये थे आपके इंग्लिश के है ना 15 नंबर के क्वेश्चन हो चुके हैं, ये जो आपका सब्जेक्ट था ये था इंग्लिश, क्या था इंग्लिश। अब इसके बाद देखते हैं आगे, अब यहाँ से क्या है ये आपका हो गया है पर्यावरण स्टार्ट, यहाँ से हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका क्वेश्चंस दिया रखा है। तो सबसे पहले 31 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जहाँ मानव रहते हैं उसे क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, क्या कहते हैं लिथोस्फीयर। अब आगे देखते हैं साथियों, पृथ्वी के भूपर्टीय भाग में पिघला हुआ चट्टानी पदार्थ ठंडा होकर बनाता है, क्या बनाता है अग्नाशय शैल बनाता है, ध्यान रखना इस बात को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है, तो हमें पता है कौन सी, नाइट्रोजन, जो कितने परसेंट पाई जाती है 78, ऑक्सीजन 21.98% और इनकी जो हाइड्रोजन हीलियम की मात्रा कैसी होती है अल्प मात्रा, कम थोड़ी थोड़ी। आगे देखते हैं अब, इसमें पूछा गया है 34 क्वेश्चन नंबर में, निम्न में से कौन से जीव को किसान का मित्र कहा जाता है, तो हमें पता है केंचुए को क्या कहा जाता है किसान का मित्र, क्योंकि ये कंपोजिट खाद बनाने में यूजेबल है। आगे देखते हैं, भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक कौन है, डॉक्टर सलीम अली जो है ना भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी है। इसके आगे देखते हैं, जीवाणु तथा कवक जो है ना क्या है, जीवाणु और कवक हमारे क्या है अपघटक, क्योंकि ये पदार्थ तो क्या करते हैं अपघटन करते हैं इसीलिए अपघटक कहलाते हैं। आगे देखते हैं जो है ना 37 क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी की सबसे बाहरी व ऊपरी परत को क्या कहते हैं, भूपर्टी कहते हैं, क्या कहते हैं अर्थ क्रस्ट कहते हैं। आगे देखते हैं, ऊर्जा का प्रवाह, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहता है, ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, पहले सूर्य का प्रकाश आता है, फिर हरे पेड़ पौधों को मिलता है, फिर शाकाहारी लेते हैं उनको, फिर शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं, मांसाहारी के बाद अपघटक में जाता है, ये आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, बंद कमरे में जो है ना कोयला जलाने पर कमरे में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जो है ना कमरे में क्या होगी सर्वाधिक होगी। आगे देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 40, पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय किसे दिया जाता है, ये जो श्रेय है टेंशले को दिया जाता है, इन्होंने 1935 में इसका यूज किया था पारिस्थितिक तंत्र का। संचरण जो है ना, संचरण रोग, संचरण मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग
का सबसे मुख्य कारक क्या है? घरेलू मक्खी होती है, कभी खाने पे बैठती, कभी कहीं दूसरे स्थान पे, गंदी संदी जगह पर। उससे क्या होता है? रोगों का संचरण होता है। आगे देखते हैं, वनों का पर्यावरणीय लाभ क्या होता है? वनों का पर्यावरणीय लाभ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वनों से ही हमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन में संतुलन बना रहता है, तापमान में कमी रहती है और प्रदूषण पर रोक होती है। ये सारे जो उपरोक्त डी है ना, ऑल ऑफ दीज राइट आंसर है। अब आगे देखते हैं, किस पुस्तक जो है ना, इसमें पूछा गया है किस पुस्तक में संगठापन स्पीसीज में जाति रिकॉर्ड रखी जाती हैं, जो मतलब पक्षी लुप्त होने की कगार पर हैं, उनका रिकॉर्ड किस बुक में रखा जाता है वो हमें बताना है। तो ये किस बुक में रखा जाता है? रेड डाटा बुक में रखा जाता है इसका रिकॉर्ड। किसमें? रेड डाटा बुक। आगे देखते हैं, कोनेन नामक दवा जो है ना पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? सिनकोना वृक्ष से पाई जाती है कोनेन नामक दवा। आप ये है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट होता रहता है। अब ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है, इसमें खगोलीय विद्या का वर्णन किस वेद में है? जो है ना इसका वर्णन ऋग्वेद में है। किस में? ऋग्वेद में, ध्यान रखना साथियों। अब आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से क्रिकेटर जो है ना मध्य प्रदेश से संबंधित हैं? नरेंद्र हिरवानी जो है ना मध्य प्रदेश से क्रिकेट का संबंध है इनका। आगे देखते हैं, निवाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? निवाड़ का आपको लोक नृत्य बताना है, कौन सा है? गणगौर। अब यहाँ से है ना जी के स्टार्ट हो गया, सामान्य ज्ञान। कौन सा सब्जेक्ट? सामान्य ज्ञान। आपका सामान्य ज्ञान जो है ना 15 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 15 नंबर का, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट हो चुका है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है? तो हमें बताना है, ये भील जनजाति जो है ना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति होती है। आगे देखते हैं, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से होकर गुजरती है? ये जो है ना कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसका पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को फिर से हुआ था। तो इसका स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहता है इस एग्जाम में। अब आगे देखते हैं, किस खेल को मध्य प्रदेश का राज्य जो है ना खेल माना जाता है? तो किस खेल को माना जाता है? ये माना जाता है मलखम को। किसको? मलखम। अक्सर पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। ये राइट आंसर होगा इसका मलखम। अब यहाँ देखते हैं आगे के क्वेश्चन, किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? जो बेतवा नदी है ना मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है। आगे देखते हैं, चचाई जो है ना जलप्रपात, चचाई प्रपात जो है ना किस नदी के द्वारा निर्मित होता है? तो हमें बताना ये किसके द्वारा होता है? विहड़ जो नदी है ना उसके द्वारा निर्मित होता है। आगे देखते हैं, जहाज महल जो है ना कहाँ पर स्थित है? तो हमें बताना है जहाज महल कहाँ पर स्थित है? मांडव में जहाज महल स्थित है। अब आगे देखते हैं, आगे जो आपका है ना 55 पे, सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये स्थापना जो है ना ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय जो द्वारा जो है ना की गई थी इसकी स्थापना। हाल ही में खोजी गई बुंदेल हीरा खदान वक्सवाहा किस जिले में है? ये है पन्ना जिले में स्थित है, ध्यान रखना। इसके बाद राजा भोज का संबंध किससे है? राजा भोज का जो संबंध है परमार वंश से है इनका संबंध। अब आगे देखते हैं साथियों, 58 नंबर, अब ये पूछा गया है, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में? ये जो योजना है खंडवा जिले में है। आगे देखते हैं,
धुआंधार जल प्रवाह, ये जो है ना जबलपुर में नर्मदा नदी पर, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है इस बार भी। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? इंदौर को जाना जाता है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना साथियों। अब आगे देखते हैं, निम्न में से किस तत्व का नाम संस्कृत भाषा से लिया गया है? तो हमें बताना है, ये जो तामा है ना, इसका नाम संस्कृत भाषा से ही लिया गया है। आगे देखते हैं, हैजा ले जा, हैजा रोग जो है ना किससे होता है? ये हैजा जो होता है जीवाणु द्वारा, है जा मीन जीवाणु, ध्यान रखना इससे। और मैं आपको शॉर्ट टेक भी बताऊंगा, मतलब अलग से वीडियो बना दूंगा, जीवाणु प्रोटोजोआ और जो कवक के द्वारा रोग होते हैं ना, अलग अलग से बता दूंगा एक एक वीडियो के माध्यम से, ठीक है। सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? ये संख्या जो है ना 8 है। आगे देखते हैं, बहुत ही सिंपल पेपर आता है, यदि आप अच्छे से तैयारी कर लें तो आप भी टॉप 10 रैंकर्स बन सकते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये की थी चैडविक ने। इसकी इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ईंट मतलब कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? टॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। सिंपल, क्यों फालतू में हम इतना, सॉरी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। सिंपल, क्यों फालतू में हम इतना माइंड लगाएं, हमें तो नंबर लाना है, इस एग्जाम को क्लियर करना है अच्छे से। कोशिका का ऊर्जा घर होता है किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। जो लाइसोसोम है इसे आत्महत्या की थैली बोलते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा। आगे देखते हैं, अब पूछा गया है, ब्रेल पद्धति किन व्यक्तियों के उपयोगी है, किन व्यक्तियों के लिए जो है ना, चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए है ना ये उपयोगी है। आगे देखते हैं, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो हम जानते हैं हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति। अब इसके बाद देखते हैं आगे, सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर होता है? 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। कौन सा ग्रह भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? जब भी भोर का तारा, सांझ का तारा, सुबह का तारा, पृथ्वी की बहन, ये सब कौन सा है? शुक्र ग्रह। इसका आंसर क्या होता है? शुक्र ग्रह। और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना इस बात को आप, यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर आएगा। अब आगे देखते हैं, तो कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता? तो आपने बताना है कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता। ये जो तन्यता होती है, सॉरी, इसकी जो भंगुरता होती है, भंगुरता जो है ना धातुओं में नहीं पाया जाता, भंगुरता का गुण। तारों की दूरियों को मापा जाता है, किस में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है ना दूरी की इकाई है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया जाता है, उसके बाद क्वेश्चन दे दिया जाता है, ध्यान रखना इस बात को आप। सूर्य की असीमित ऊर्जा का जो है ना स्रोत क्या है? आपने बताना है ये नाभिकीय संलयन द्वारा ये सूर्य की असीमित ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है हमको। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, निम्न में से किस धातु का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है? किसका उपयोग? एल्यूमिनियम का उपयोग। आपने देखा होगा सिल्वर फॉल बोलते हैं वो, एल्यूमिनियम का फॉल, इस तरह से इसका यूज किया जाता है एल्यूमिनियम का। अब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मैंने कई बार बताया ये सदैव क्या, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, इसको ध्यान रखना आप। अब इसके बाद
नवकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण को क्या है? ये जो है ना सौर ऊर्जा, इसका सही आंसर है। अब इसके बाद आगे देखते हैं फ्रेंड्स, विद्युत विभव की इकाई क्या होती है? हमें बताना है विद्युत विभव की इकाई क्या होती है, वोल्ट। क्या? वोल्ट। आगे देखते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना हुआ होता है। स्वतंत्रता पूर्वक जो है ना लटकाने पर चुंबक किस दिशा में ठहरता है? ये ठहरता है उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया जाता है। इसके बाद एक धातु का गोला दो समांतर दर्पणों के मध्य रखा गया है, तब कुल बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? अनंत। आप देख के लेना, एक जो है ना समांतर रखना, एक के सामने दूसरा, तो उसमें कोई बीच में वस्तु रखना, तो आप देख पाएंगे कि मतलब कभी नाई वगैरह की दुकान पे गए होंगे तो काफी सिर दिखाई देते हैं हमें पीछे, वो जी इसका प्रतिबिंब किस पे बनता है? अनंत पे। इसका यही कारण है। अब आगे देखते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र तो मैंने कई बार बताया है आपको। ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र एल बराबर में रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। अब इसके बाद दो प्रमेय संख्याओं के बीच कितने प्रमेय संख्याएं होती हैं? तो इसके बीच में अपरिमित संख्याएं होती हैं, अपरिमित, ध्यान रखना। अब यहाँ हमें बताना है, दिए गए विकल्प में दो कोण जो है ना एक दूसरे के संपूरक हैं, तो वे कोण कौन से होंगे? 135 और 45। आप जानते हैं संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पूछा गया है आपसे, एक वॉशिंग मशीन 21,000 रुपये में खरीदी गई है, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्यांकन का अवमूल्यन हो गया, और एक वर्ष बाद वॉशिंग मशीन का मूल्य क्या होगा? 19,320 रुपये इसका मूल्यांकन होगा। आगे देखते हैं, अब यहाँ से आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 80 से मैथ स्टार्ट हो चुका है, ये 20 नंबर का आता है। यदि 3x+√4 बराबर में 11 हो तो x का मान है, x का मान कितना निकलेगा? 3। एक टीवी को 5,000 रुपये में खरीदा गया है और एवं उसे 4,000 रुपये में बेच दिया जाता है, तब हानि प्रतिशत बताना है हमने, तो कितना होगा? 20%। इसका सॉल्यूशन मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं। और भी वो क्योंकि अब नया नया सीजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको ये पेपर दिखा दें, इससे जो है ना आप क्वेश्चन पहचान पाएँ, और सिलेबस जैसे ही हो आपका तो आप ये समझ पाए कि क्वेश्चन के कहाँ से किस तरह से और किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही एक उद्देश्य है कि दोबारा पेपर आपको जो है ना प्रोवाइड करा रहा हूँ। एक विद्यालय में 2,401 विद्यार्थी हैं, तो पीटी अध्यापक उन्हें पंक्ति एवं स्तंभ में इस प्रकार खड़ा कर रखना चाहता है कि पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या हो? बराबर हो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो स्क्वायर के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 49। अब आगे देखते हैं, और मैं पिछली वीडियो में आपको सिलेबस डिस्कशन करके बता चुका हूँ किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो हम जानते हैं 360 डिग्री होता है, सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पूछा गया है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात 2:5 है, तो ये दो संख्याएं क्या होंगी? ये होंगी 44 और 110। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब इसके बाद हमसे पूछा गया है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसका आधार जो है ना 64 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? 72 सेंटीमीटर होगी। अब आगे देखते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 91 आप देख पा रहे होंगे, यदि मोहन की जो आयु, मोहन की माँ की वर्तमान आयु x+10 है वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु क्या होगी? x+15 वर्ष होगी। सिंपल सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। आकृति में 0 डिग्री का क्या मान होगा? अब 0 डिग्री का मान हमने फाइंड करना है, तो क्या होगा? 110 होगा इसका मान। आगे देखते हैं, जो है ना 25 विद्यार्थी
से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं और कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? तो ये 28% विद्यार्थी गणित में क्या नहीं रखते, रुचि नहीं रखते। अब आगे देखते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर है ना 94, यदि एक्स वाई दो अंकों वाली दी गई एक संख्या के क्रमशः इकाई व दहाई के अंक हैं तो बनने वाली संख्या क्या होगी? ये होगी 10y+x। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखना इस बात को, पिछली बार भी आया था ऐसा क्वेश्चन। अब 12,600 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से जो है ना चक्रवर्ती ब्याज होगा, क्या होगा? 2,646 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद ये हमें क्वेश्चन बताना है 0.00001 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल 0.001 होगा, राइट आंसर। इसके बाद यदि जो है ना यदि x² + 12x + 36 का एक गुणनखंड x+6, तब दूसरा जो है ना गुणनखंड क्या होगा, x+6 ही होगा, ध्यान रखना इस बात को आप, ठीक है। आगे देखते हैं, आपका जो है ना पेपर पूरा होने ही वाला हुआ है, अभी आपको और जानकारी दूंगा मैं, ध्यान रखना आप। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होती है? 1/2, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसके बाद 99 में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि जो है ना √5 32/243 का मान क्या होगा, तो इसका मान 2/3 होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जो आपको संलग्न चित्र में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें त्रिभुज ए 72 डिग्री और त्रिभुज सी का मान क्या होगा, तो हमें त्रिभुज सी का मान बताना है, ये भी क्या होगा, 72। अब दोस्तों ये जो है ना इस तरह से आपके जो है ना पेपर तो पूरा हो चुका है, आप थोड़ी सी और जानकारी है, वो जानकारी ये आप देखते जाइए, रफ कार्य के लिए है ना आपको पेज मिलता है इस तरह से, पूरा का पूरा ब्लैंक रखा हुआ है, इसमें आप वर्क कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं जो है ना हिंदी से आपके जो है ना टॉपिक्स क्या क्या आते हैं, सॉरी हिंदी का कितना नंबर का होता है, हिंदी में आपका होता है 15 नंबर का, इंग्लिश में भी सेम ही होता है, इंग्लिश में क्या होता है 15 नंबर का ही पूछा जाता है, और आपका GS ये भी 15 नंबर का ही पूछा जाता है। अब उसके बाद आपका होता है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को कितने का होता है, एनवायरनमेंट कहें या फिर क्या कहें, पर्यावरण, ये 15 नंबर का। फिर उसके बाद साइंस आती है, साइंस आपकी कितने नंबर की होती है, 20 नंबर की। उसके बाद मैथ आता है, मैथ भी आपका कितने नंबर का पूछा जाता है, 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ नहीं, सिंपल सिंपल से टॉपिक्स होते हैं। और ये जो है ना बोला था आगे डायरेक्शन पढ़ने के लिए, वो सब ये जानकारी है, ये आपने पढ़ना है ध्यान से, प्रश्नों के उत्तर देते समय निर्देश जो भी हैं, उत्तर देने का तरीका, ओ एम आर शीट किस तरह से बननी किस तरह से नहीं बननी, ये ध्यान रखना। मैन ओ एम आर शीट पर इसका जो है ना एग्ज़ाम होता है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, और इसका जो क्वेश्चन पेपर और आपका जो परीक्षण फॉर्म होता है किस तरह से भरा जाता है ये भी बता चुका हूँ। उत्कृष्ट विद्यालय में आपको बता दूँ कि जो है ना NCC NSS वगैरह होती हैं, स्काउट और यूओ क्लब वगैरह, ये सारी चीज़ सुविधाएँ अवेलेबल होती हैं, और कम फीस में आप अच्छी पढ़ाई मतलब पढ़ सकते हो, और सरकारी का जो है ना लाभ भी काफ़ी होते हैं बहुत सारे, और ऐसी जो है ना वीडियो के माध्यम से मैं आपको है ना प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, और बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे जो है ना आपका पूरा सिलेबस जो है ना एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल का ऑनलाइन माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ लें जिससे है ना उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके, और अपने साथियों को ये बताना ना भूलें कि है ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक शेयर करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अधिक से अधिक मित्रों को अपने साथ जोड़ें जिससे कि एग्ज़ाम
वो भी क्वालिफाई कर सकें और अच्छा मार्क है ना गेट कर सकें। एक वीडियो में आने वाले समय में ऐसा बनाऊंगा जिसपे है ना बच्चे टॉप 10 लिस्ट में किस तरह से आ सकते हैं, वो सारी मतलब हिंट देने वाला हूँ आगे आने वाले समय में, किस तरह हम अपनी कम समय में अच्छी प्रिपरेशन करके टॉप 10 MP की जो है ना टॉप 10 मेरिट लिस्ट बनती है उसमें किस तरह से आ सकते हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा अगली वीडियो में। जैन साथियों फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही, मतलब जो है ना लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर भी आपको बहुत जल्द मैं सॉल्व कराऊंगा यहीं, तो आप जुड़े रहिए और इन क्वेश्चनों को है ना नोट करते जाइए जिससे है ना आप इनको याद कर लें, बहुत बार काफ़ी क्वेश्चन है ना रिपीट होते हैं। जैन साथियों धन्यवाद, फिर मिलते हैं।